नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। गौतम बुद्ध नगर में लगातार बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत नोएडा में देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कई बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। देर रात नोएडा के थाना फेज 3 इलाके में मुखबिर की सूचना पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक सेंट्रो कार आती दिखाई दी, जिसमें 3 लोग बैठे थे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बदमाश पुलिस को देखकर उन पर फायरिंग करके भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में आबिद नाम के बदमाश को गोली लगी। गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। दूसरे बदमाश मुनेश को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी कॉम्बिंग जारी है। ADCP सेंट्रल इला मारन ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों पर NCR में 2 दर्जन से ज्यादा चोरी और लूट के मामले दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से एक सेंट्रो कार, अवैध हथियार समेत कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। लगातार नोएडा पुलिस बदमाशों की धरपकड़ कर रही है, जिससे कि जनपद में होने वाली वारदातों को रोका जा सके। आज 3 अप्रैल 2022 थाना फेज 3 में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश का हल्का सा पैर में गोली लगी। इनको इलाज करने के लिए अभी अस्पताल भेजा जा रहा है। आज शाम को पुलिस को मुखबिर के द्वारा एक बदमाश के बारे में सूचना मिली थी। इसको पुलिस ने चेकिंग में लगाई। चेकिंग के दौरान एक सेंट्रो गाड़ी के रुक के पुलिस ने चेकिंग करने की कोशिश किए थे, लेकिन ये बदमाश ने वहाँ से भागने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन पुलिस ने पीछा करके इनको गिरफ्तारी करने की कोशिश किया था। इसी बीच में एक मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक आबिद का नाम है, ये सबसे बड़े अपराधी है। इनके खिलाफ गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में लगभग 25 मुकदमे हैं। इनको गिरफ्तार किया है, इनके साथ एक मुनेश को भी गिरफ्तार किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहें खबर टुडे न्यूज के साथ।